हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। हमने परसेप्ट्रॉन ट्रिक एंड टू एंड देखा और हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है परसेप्ट्रॉन ट्रिक में। आज हम लोग एक नया सॉल्यूशन देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहले वो सॉल्यूशन देखें, उसके पहले हम ये करेंगे कि एक बार रिवाइज करते हैं कि परसेप्ट्रॉन ट्रिक में क्या प्रॉब्लम है। ऑल्दो हमने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट एक बार रिविजन करना सही रहेगा। सो परसेप्ट्रॉन ट्रिक का लॉजिक बहुत सिंपल था कि आप लूप चला करके 1000 times हर बार रैंडमली एक पॉइंट को पिक कर रहे हो और उस पॉइंट से पूछ रहे हो कि तुम मिसक्लासिफाइड हो या नहीं। अगर वो पॉइंट मिसक्लासिफाइड है तो हम लाइन को उस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे थे। अगर वो पॉइंट मिसक्लासिफाइड नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। एंड एंड में हमने जब देखा, हमारा जो सॉल्यूशन था वो सही से कन्वर्ज कर गया। मतलब हमारा एक लाइन हमें मिल गया जो दोनों क्लासेस को सेपरेट कर पा रहा था। बट जब हमने इसे कंपेयर किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, तो हमने पाया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लाइन थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप दोनों साइड बराबर मार्जिन देख पा रहे हो। सो अगर कभी अनसीन डेटा आएगा तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा हमारे मॉडल के कंपेरिजन में। हमारे मॉडल का जो फ्लॉ है वो उसके एल्गोरिदम में ही है। हमारा एल्गोरिदम ही बोलता है कि अगर एक बार तुमने सारे पॉइंट्स को करेक्टली क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इस मॉडल का सबसे बड़ा फ्लॉ इसके एल्गोरिदम में है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आई वुड रिक्वेस्ट यू, एक बार वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो कि आप कैसे इस मॉडल को चेंज कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह अच्छा आने लगे। सो चलो गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या है कि हम जो अपना बेसिक एल्गोरिदम है जिसको पकड़ के हम अभी तक चल रहे थे, हम उसको चेंज कर देंगे। अभी तक हमारा एल्गोरिदम क्या बोलता था कि हम सिर्फ उन पॉइंट्स की बात सुनेंगे जो मिसक्लासिफाइड है। मतलब जो पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाइड है उनका कोई से नहीं होगा, वो लाइन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लाइन में चेंजेस सिर्फ कौन करेगा, जो पॉइंट्स मिस क्लासिफाइड है वो पॉइंट्स हमें बोलेंगे लाइन को मेरी तरफ लेके आओ। राइट, यही हमारा एल्गोरिदम था अभी तक। अब हम इस अप्रोच को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, अब हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग सिर्फ मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स का ही से नहीं होगा, बल्कि उन पॉइंट्स का भी से होगा जो करेक्टली क्लासिफाइड है। कैसे, मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स क्या बोलते हैं, लाइन को मेरी तरफ लेके आओ। अब हम अपने एल्गोरिदम को ऐसे चेंज करेंगे कि सारे करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स लाइन को अपने से दूर भेजेंगे, ठीक उल्टा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सो अभी तक के एल्गोरिदम के हिसाब से आप मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स की बात मान के लाइन को पुल करते थे। मतलब अगर यहां पर एक मिसक्लासिफाइड पॉइंट है तो ये लाइन को इस तरफ बुलाता था, अपनी तरफ बुलाता था, पुल करता था। राइट, अब हम इस अप्रोच में एक चेंज करेंगे। और अप्रोच में चेंज क्या है कि करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स जो हैं वो लाइन को पुश करेंगे। मतलब अगर ये करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट है तो ये लाइन को इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा। सोच के देखो इस अप्रोच में क्या फायदा है कि जब आपके सारे पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाई हो जाएंगे तब भी आपके लाइन को मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और जब ये बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा तो फिर ये वाले पॉइंट्स उसको धक्का मारने लगेंगे, तो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम और सेंटर पे कहीं जाकर के वो लाइन रुक जाएगी। ठीक है, सो एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, हमारे अप्रोच में हम ये चेंज करने वाले हैं कि अभी तक हम सिर्फ मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स की बात सुन करके लाइन में चेंजेस करते थे, अब हम हर पॉइंट की बात सुनेंगे, इधर इट इज मिस क्लासिफाइड और इट इज करेक्टली क्लासिफाइड। मिस क्लासिफाइड है तो लाइन को पुल करना है, और करेक्टली क्लासिफाइड है तो लाइन को पुश करना है। ठीक है, सो दैट विल बी द मेन स्ट्रेटजी। मतलब अभी तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अब हम एक चीज और करेंगे, ठीक है, एक चीज और करेंगे। सो ये जो पुश करना है और जो पुल करना है, ये जो पुश करना है और ये जो पुल करना है लाइन को, ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि लाइन से उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूं ये वाला पॉइंट कि आप उस लाइन को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो,
वो कितने मैग्नीट्यूड से कर रहे हो वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट उस लाइन से कितनी दूर है। ठीक है, चार केसेस ले रहे हैं। पहला केस, द फर्स्ट केस इज जब हमारे पास एक पॉइंट है जो कि मिसक्लासिफाइड है, जो कि मिसक्लासिफाइड है और लाइन के बहुत पास है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उतने तेजी से लाइन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। ठीक है, ये स्लोली खींचेगा, कम मैग्नीट्यूड से खींचेगा। सेकेंड केस, अगर एक मिसक्लासिफाइड पॉइंट है जो कि लाइन से बहुत दूर है तो ये ज्यादा मैग्नीट्यूड से इस लाइन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि मिसक्लासिफाइड पॉइंट के केस में जितना भी लाइन से दूरी ज्यादा होगा उतने ज्यादा मैग्नीट्यूड से आप लाइन को अपनी तरफ खींचोगे, और जितना कम होगा उतने कम मैग्नीट्यूड से आप लाइन को अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट की। करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट के केस में ये बात उल्टी हो जाएगी। कैसे, दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल एक ऐसे पॉइंट का जो लाइन के बहुत पास है। सो जो लाइन के बहुत पास है वो बहुत तेज धक्का मारेगा, वो तेजी से पुश करेगा लाइन को, तेजी से ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ पुश करेगा। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो लाइन से बहुत दूर है तो वो स्लोली पुश करेगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, और ये बहुत इंट्यूटिव भी है। आप सोच के देखो, आप इस पॉइंट के बेसिस पे बहुत तेजी से धक्का नहीं मारना चाहोगे, बट आप इस पॉइंट के बेसिस पे तेजी से धक्का मारना चाहोगे। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा ट्रू है जब आप मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स का बात कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट इज द चेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये चेंज हम लाएंगे और ये चेंज बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्लास में साइकिट लर्न करवा रहे हैं। ठीक है, सो एक बार समरी के लिए रिवाइज कर रहे हैं। अब हम हर पॉइंट से पूछेंगे कि तुम करेक्टली क्लासिफाइड हो या इनकरेक्टली क्लासिफाइड हो। अगर करेक्टली क्लासिफाइड हो तो धक्का मारेगा, अगर इनकरेक्टली क्लासिफाइड है तो पुल करेगा, खींचेगा। बट कितने मैग्नीट्यूड से खींचेगा या कितने मैग्नीट्यूड से धक्का मारेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और वो चार केसेस मैंने आपको बता दिए। अगर मिसक्लासिफाइड पॉइंट है और लाइन के पास में है तो कम अमाउंट से पुल करेगा, बट अगर मिसक्लासिफाइड पॉइंट है लाइन से बहुत दूर तो ज्यादा अमाउंट में पुल करेगा। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा जब आप करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स का बात कर रहे हो। अगर आपका पॉइंट लाइन के बहुत क्लोज है तो बहुत तेजी से पुश करेगा, तेजी से धक्का मारेगा। वेयर एज अगर आपका करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट लाइन से बहुत दूर है तो वो बहुत वीक पुश करेगा, बहुत धीरे से धक्का मारेगा। और इस पूरे डायनामिक्स की वजह से क्या होगा, आपका लाइन इवेंचुअली सही जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैंने बहुत सारी बातें बोल तो दी, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हम ये पूरा एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर पाए, उसका सोल्यूशन छुपा है इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन हमने यूज किया था परसेप्ट्रॉन ट्रिक में। इसी इक्वेशन के मैकेनिक्स में हम चेंजेस करेंगे और हमें हमारा रिजल्ट दिखने लग जाएगा। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, चलो फिर से एक बार इस इक्वेशन का मैकेनिक्स समझते हैं। आई नो आपने पहले भी ये पढ़ा है बट इस पॉइंट पे ये रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम अपने कोफिशियंट्स को अपडेट करते थे यूजिंग दिस इक्वेशन। एक बार अगर आप इसको रीड आउट करो तो ये इक्वेशन है, नए कोफिशियंट्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू पुराने कोफिशियंट्स का वैल्यू प्लस लर्निंग रेट टाइम्स yi माइनस yi हैट मल्टीप्लाइड बाय xi। ठीक है, और चार केसेस मैंने आपको बताए थे और ये रहे वो चार केसेस। कैसे होते थे ये चार केसेस? पहला केस, एक ऐसा पॉइंट जो ग्रीन है एज इन पॉजिटिव है और मेरे मॉडल ने भी बोला कि वो पॉजिटिव है, बेसिकली इनमें से कोई भी पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो डेटा के हिसाब से भी इसका प्लेसमेंट होना था और हमारा मॉडल भी बोल रहा है कि इसका प्लेसमेंट होना है। अब जब आपने इस पॉइंट का वाई आई निकाला डेटा में तो वो वन था, और जब आपने उसका वाई आई हैट निकाला अपने मॉडल के हिसाब से प्रिडिक्शन किया तो वो भी वन आया, जिसकी वजह से ये जो टर्म था ये जीरो हो गया। और जैसे ये टर्म जीरो हो गया तो डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ, मतलब नई वैल्यूज पुरानी वैल्यूज के बराबर ही रहेंगी, मतलब लाइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे,
राइट। सेकंड केस एक ऐसा केस है जब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था और हमारे मॉडल ने भी बोला उसका प्लेसमेंट नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे इन रेड में से कोई भी पॉइंट आप उठा सकते हो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपका वाई आई डेटा में जो है वो जीरो है और आपका प्रिडिक्शन जो है वो भी जीरो है, तो अगेन ये वाला टर्म जीरो हो गया और डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट हो गया। मतलब आपका पुराना और नया वैल्यू सेम रहेगा, मतलब लाइन में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। सो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट के लिए लाइन मूव नहीं करेगा, बहुत बार सुन चुके। नेक्स्ट थर्ड था कि एक पॉजिटिव पॉइंट, मतलब डेटा में प्लेसमेंट हो चुका है उसका बट मेरा मॉडल बोल रहा है प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये ग्रीन पॉइंट, ठीक है। अब इस ग्रीन पॉइंट के लिए क्या होगा कि वाई आई का वैल्यू है 1 बट वाई आई हैट बोल रहा है 0, तो इन दैट केस ये जो टर्म है ये हो जाएगा 1 और फिर आपका ये इक्वेशन बन जाएगा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस लर्निंग रेट टाइम्स एक्स आई। सो बेसिकली आप पुराने वाले कोफिशियंट्स में कुछ ऐड करोगे और ऐड करने से आप लाइन को इस तरफ मूव करते हो, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। फोर्थ केस एक ऐसा बंदा है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है बट आपका मॉडल बोलता है कि होना चाहिए, ये बंदा, ठीक है। अब इस बंदे के केस में वाई आई हो जाएगा 0 बट वाई आई हैट हो जाएगा 1, तो ये जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा -1 और आपका इक्वेशन बन जाएगा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स एक्स आई। मतलब आपने कोफिशियंट्स में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब मुझे इस इक्वेशन में इस तरीके से चेंजेस करने हैं कि पहले दो केसेस के लिए जब ये वाला टर्म जीरो हो जा रहा था मुझे डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड नहीं चाहिए, मुझे फिर भी चेंजेस करने हैं इवन इफ ये जीरो हो रहा है, मुझे चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब कैसे आप ये काम कर सकते हो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन रब कर देता हूं। देखो हमें समहाउ इस टर्म को जीरो होने से रोकना है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये पूरा टर्म अगर जीरो हो गया तो डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड हो जाएगा, जिसका मतलब लाइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस पूरे टर्म को जीरो होने से रोकने का मतलब है कि वाई आई माइनस वाई आई हैट को जीरो होने से रोकना है। अब वाई आई माइनस वाई आई हैट में अगर आप वाई आई का बात करो तो ये तो सिंपली आपका डेटा है, ये तो सिंपली आपका डेटा है, इसमें तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस आप कर सकते हो वो है वाई आई हैट में, और वाई आई हैट क्या है, मॉडल के प्रिडिक्ट करने का तरीका, ये मॉडल का प्रिडिक्शन ही तो है। अब एक बार अगर डिस्कस करें कि ये मॉडल प्रिडिक्शन करता कैसे था तो आपको शायद पता है, हमारा मॉडल एक लाइन है तो उसका इक्वेशन ये है डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर मुझे एक नया सीजीपीए दिया जाए और एक नया आईक्यू दिया जाए और मुझे प्रिडिक्ट करना है कि इस बंदे का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या करता था, मैं लिखता था डब्ल्यू वन का जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 8.1 ये वैल्यू, प्लस डब्ल्यू टू का जो भी वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करता था 81 से, प्लस डब्ल्यू नॉट का जो भी वैल्यू है ये मैं कैलकुलेट करता था। अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैं बोलता था 1 प्लेसमेंट होगा, और अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है तो मैं बोलता था 0 प्लेसमेंट नहीं होगा। सो इन शॉर्ट आप ये कैलकुलेट करते थे सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई और इसके साइन के बेसिस पे आप बताते थे कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो हमेशा हमारे मॉडल का जो प्रिडिक्शन होता है वो या तो जीरो होता है या तो वन होता है, या तो प्लेसमेंट होगा या तो नहीं होगा, स्टेप फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। अगर लेस देन कुछ भी भेज रहे हो जीरो तो आपको जीरो मिल रहा है, अगर आप जीरो से ज्यादा भेज रहे हो तो वो वन दे रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पे जीरो और वन ही का प्रिडिक्शन आता रहा तो ये जीरो होता रहेगा, मुझे समहाउ एक चेंज करना है कि मेरा मॉडल का जो प्रिडिक्शन है अब वो जीरो और वन ना आए, वो कुछ और नंबर आए जिसकी वजह से वाई आई माइनस वाई आई हैट जीरो ना हो। मेरा टारगेट यही है कि मुझे वाई आई हैट को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि वाई आई माइनस वाई आई हैट जीरो ना हो। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं, स्टेप फंक्शन का आउटपुट इज इधर जीरो और वन,
और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है। मुझे अपना आउटपुट मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, मुझे स्टेप फंक्शन अब यूज नहीं करना है क्योंकि स्टेप फंक्शन का आउटपुट इज डिस्क्रीट 0 1। मुझे कुछ और फंक्शन से स्टेप फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा सो दैट मेरा आउटपुट इज नॉट 0 और 1। और यहीं पर हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड। बहुत नाम सुना होगा आपने, डीप लर्निंग पूरा सिग्मॉइड के भरोसे ही चल रहा है, मतलब एटलीस्ट कुछ दिनों पहले तक। बट सिग्मॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिकल फंक्शंस इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। सिग्मॉइड को हम यूज करेंगे और सिग्मॉइड को यूज करने से आप नोटिस करोगे कि हमने जो डिस्कशन किया, हमने जो स्ट्रैटेजी में चेंज किया, वो आप अप्लाई कर पाओगे जब आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सिग्मॉइड के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि सिग्मॉइड को इंप्लीमेंट करने से इस इक्वेशन का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। So guys, now let's talk about the sigmoid function. So sigmoid function is just a function. It's a mathematical function. जिसमें अगर आप कुछ input देते हो तो आपको कुछ output मिलता है, ठीक है? इस function का जो equation है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको एक input दे रहे हो z, तो इसका जो output होगा, वो होगा 1 divided by 1 plus e to the power minus z, ठीक है? जब आप इस function का graph plot करोगे, तो ये graph कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्पेशल है ये ग्राफ, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे आपका z है और ये आपका आउटपुट है y is equal to sigma z। By the way, इसको इस सिग्मा नोटेशन से सिग्मा नहीं है, जो भी नोटेशन आई डोंट रिमेम्बर, इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है। अब देखो अगर आपके z की वैल्यू बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो आपका y का वैल्यू विल बी टेंडिंग टू 1, कभी भी कंप्लीटली 1 नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइटली हाई वैल्यू पे जा करके ये 1 होगा। ठीक है, अगर आपके z का वैल्यू बहुत कम है, लाइक इनफाइनाइटली मतलब माइनस इनफिनिटी है, तो सिग्मॉइड का वैल्यू 0 होगा। और अगर आपके z का वैल्यू 0 है तो आपके सिग्मॉइड का वैल्यू एग्जैक्टली 0.5 होगा। मतलब आप z को अगर माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच में वेरी करोगे तो जो y है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। मतलब आप इस फंक्शन को कितना भी बड़ा इनपुट दे दो या कितना भी छोटा इनपुट दे दो, इस फंक्शन का आउटपुट विल ऑलवेज बी इन द रेंज ऑफ 0 to 1। दिस इज द मेन पार्ट अबाउट दिस एल्गोरिदम, दिस मैथमेटिकल फंक्शन। और ये जो उसका फीचर है कि कितने भी बड़े नंबर को ये स्केल डाउन कर देता है 0 से 1 के रेंज में, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि सिग्मॉइड फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बट मैं उसको कैसे यूज करूंगा। हम क्या करेंगे, हम अभी तक वाई आई मतलब वाई आई हैट कैसे कैलकुलेट करते थे, अभी तक हम क्या करते थे, हम किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन इनपुट के लिए, लेट्स से हमारे पास सी जी पी ए है 7.5 और हमारा आई क्यू है 81 और हमें प्रिडिक्ट करना है कि इस बंदे का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, लेट्स से। तो वाई आई हैट कैसे कैलकुलेट होता था, आपके पास W1, W2 और W0 कोफिशिएंट्स होते थे। आप W1 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 करते थे प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय 81 करते थे और उसमें W0 को जोड़ देते थे। ठीक है, ये जो नंबर आता था इसको आप एक स्टेप फंक्शन में भेज देते थे कि अगर ये जो नंबर है, लेट्स डिनोट दिस नंबर विथ Z, अगर z is greater than equal to 0 तो आप बोलते थे कि प्लेसमेंट होगा, अगर z is less than 0 तो आप बोलते थे प्लेसमेंट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, rather than using this step function we will replace it with the sigmoid function। ठीक है, मतलब हम ये चीज तो कैलकुलेट करेंगे, ये जो हम कैलकुलेट करते थे wi xi ये हम अभी भी कैलकुलेट करेंगे, बट अब इसको हम स्टेप फंक्शन में देने के बजाय हम सिग्मॉइड फंक्शन में देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इस डायरेक्शन में है, z का वैल्यू, अगर इस पूरी चीज का वैल्यू, इस पूरी चीज को हम z बोल रहे हैं, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो वी आर श्योर कि आपका सिग्मॉइड का आउटपुट विल बी ग्रेटर देन 0.5। और अगर ये नंबर जो है z, ये अगर नेगेटिव होगा तो वी कैन से कि आपका सिग्मॉइड का आउटपुट विल बी लेस देन 0.5। ठीक है, सो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का ट्राई करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा एक बार स्क्रोल डाउन कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि अब अगर मुझसे कोई पूछेगा एक इनपुट दे करके 7.5 और 81 की, बताओ इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा कि नहीं, मैं पहले Z कैलकुलेट करूंगा. Z क्या है? ये चीज, ठीक है. फिर Z को मैं सिग्मोइड में डालूंगा, और अगर Z पॉजिटिव है तो 0.5 या उससे ज्यादा आएगा, अगर Z नेगेटिव है तो 0.5 से कम आएगा, ठीक है. और मैं सिंपल एक इफ एल्स यूज कर लूंगा कि इफ 0.5 से ज्यादा है सिग्मोइड का आउटपुट तो बोलो 1, एल्स बोलो 0. सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपने पूरे फ्लो में सब कुछ सेम रखा. स्टेप फंक्शन जहां पे मैं डिसाइड करता था 0 से ज्यादा है या कम है, उसके बदले मैंने अपने पूरे फ्लो में सिग्मोइड को इंप्लीमेंट कर लिया. इससे क्या फायदा हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग फायदा हुआ. मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, सिग्मोइड का एक फीचर, एक प्रॉपर्टी दिखाता हूं मैं आपको. सो लेट्स से हमारे पास ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, दीज आर आवर डेटा पॉइंट्स, ये हमारे ग्रीन पॉइंट्स हैं और ये हमारे रेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारा मॉडल है. दिस इज आवर मॉडल, ठीक है. मतलब हमें W1, W2 और W0 का वैल्यू पता है. अब सिग्मोइड का आउटपुट कैसे अफेक्ट करता है चीजों को वो देखते हैं. जैसे कि आप इस सबसे पहले देखो, सिग्मोइड का जो आउटपुट होगा वो इस लाइन के ऊपर क्या होगा. इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, इसका मतलब उसका सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई विल बी इक्वल टू 0. लाइन के ऊपर है तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट. तो इसका मतलब इसका सिग्मा कितना होगा? 0.5. इसका मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर सिग्मा का वैल्यू विल बी 0.5, ठीक है. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? ये पॉइंट पॉजिटिव रीजन में है इस लाइन के, इसका मतलब इसका सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई विल बी ग्रेटर देन 0. तो इसका जो सिग्मा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0.5. मतलब मान सकते हैं कि इसका सिग्मा है, इस पूरी लाइन पर जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो मान सकते हैं कि 0.6 होगा, ठीक है. फिर यहां पे आते हैं इसके ऊपर. अब सिंस इसका जब डब्ल्यू आई एक्स आई निकालोगे तो इसका डब्ल्यू आई एक्स आई इस वाले डब्ल्यू आई एक्स आई से ज्यादा होगा, तो फिर इसका भी सिग्मा वाला वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0.6. तो आप मान सकते हो कि यहां पर सिग्मा का वैल्यू होगा 0.6. सिमिलरली अगर आप और आगे बढ़ो तो सिग्मा का वैल्यू हो सकता है 0.7, और थोड़ा आगे बढ़ो तो सिग्मा का वैल्यू हो सकता है 0.8, और थोड़ा आगे बढ़ो तो 0.9, और थोड़ा आगे बढ़ो तो शायद बहुत दूर बड़ी वैल्यू पे 1 हो जाएगा, ठीक है. और इसका उल्टा भी ट्रू है. अगर आप उल्टे डायरेक्शन में आते हो तो ये होगा सिग्मा 0.4 वाली लाइन, ये होगा 0.3 वाली लाइन, ये होगा 0.2 वाली लाइन, 0.1 वाली लाइन, और बहुत दूर जा करके कहीं पे 0 होगा. इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे 0 होगा, और यहां पे भी इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे 1 होगा, ठीक है. तो हो क्या रहा है कि सिग्मोइड क्या कर रहा है, आपके इस पूरे रीजन को एक ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर रहा है, जहां पे आपका जो वैल्यू है सिग्मा का वो इधर से इधर 0 से 1 की तरफ जा रही है, ठीक है, 0 से 1 की तरफ जा रही है. अब सिग्मोइड को आप एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में भी देख सकते हो. सो अगर मैं बोल रहा हूं कि 0.5 है सिग्मोइड का वैल्यू, अगर 0.5 है तो मैं एक्चुअली बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है. किस चीज का प्रोबेबिलिटी 0.5 है? हम क्या निकालने निकले थे कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा. तो यहां पे दो इवेंट्स हैं. इवेंट 1 है प्लेसमेंट होगा, यस. दूसरा इवेंट क्या है? प्लेसमेंट नहीं होगा. तो मान लो यहां पे दो चीजों की प्रोबेबिलिटी है, प्लेसमेंट होने की और प्लेसमेंट नहीं होने की. तो ये जो है 0.5, ये एक्चुअली बोल रहा है कि प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.5. सो इस लाइन पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5. सिमिलरली अगर आप इस लाइन की बात करो तो यहाँ पे सिग्मोइड का वैल्यू 0.6 है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस लाइन पे जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
इन लाइन वाले पे क्या बोल सकते हैं हम कि इनके प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है. तो जितना आप लाइन से दूर हो पॉजिटिव रीजन में, आप बोल सकते हो कि उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा है. ठीक है, और अगर मैं नीचे की साइड आऊं, तो जितना दूर आप नेगेटिव रीजन में हो आपका प्लेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी उतना कम है. क्योंकि सोच के देखो, सबसे लास्ट में जो होगा उसका 0.1 0.2 होगा. सो ये जो पूरा ग्रेडियंट बन रहा है 0 से 1 का, ये एक्चुअली प्लेसमेंट होने का ग्रेडियंट है. जितना आप लाइन से दूर पॉजिटिव रीजन में हो आपका प्लेसमेंट होने का चांस उतना ही ज्यादा है, और जितना आप लाइन से दूर नेगेटिव रीजन में हो आपका प्लेसमेंट होने का चांस उतना ही कम है. ठीक है, अब एक चीज और, प्लेसमेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? दो ही अगर इवेंट्स हैं, प्लेसमेंट होना और नहीं होना, तो प्लेसमेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा निकाला जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 - PY. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइन, इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो इसका प्लेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना था? 0.7. तो इसका प्लेसमेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 - 0.7 मतलब 0.3. सो हुआ क्या, स्टेप फंक्शन को रिप्लेस करके सिग्मोइड को लाने से यह हुआ कि हमने पूरी चीज को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया. राइट, अब हर स्टूडेंट का प्लेसमेंट होने का भी एक प्रोबेबिलिटी और प्लेसमेंट नहीं होने का भी एक प्रोबेबिलिटी है. जो सबसे टॉपर बंदा होगा, जो सबसे ऊपर यहां पे होगा, उसका भी प्लेसमेंट नहीं होने का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, और जो सबसे खराब बंदा होगा यहाँ पे नीचे, उसका भी प्लेसमेंट होने का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा. तो ये सिग्मोइड क्या कर रहा है, ये हमारे पूरे के पूरे इस सिस्टम को एक बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दे रहा है. ठीक है, अब हम इसी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को यूज करके हम अपने फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे और आपको दिखाई देगा कि कितना इजिली हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है. ठीक है, तो चलो गाइस फिर देखते हैं कि सिग्मोइड यूज करने से हमारा ये जो एल्गोरिदम था, जो इक्वेशन था, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं. ठीक है, सो मैंने अपना इक्वेशन फिर से लिख दिया है. बस इस बार हम जो yi कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट का, वो हम निकालेंगे यूजिंग द सिग्मोइड फंक्शन. सिग्मोइड में हम z की वैल्यू को डालेंगे, और z क्या है? सिग्मा wixi. बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हमारे कोफिशिएंट्स के साथ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है. मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं. सो यू कैन क्लियरली सी डेटा के हिसाब से इन 4 में से 2 पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और 2 पॉइंट्स नेगेटिव हैं. मैंने यहाँ पे yi उनका लिख लिया है. अब मैं उनका yi हैट निकालूंगा. ठीक है, तो थोड़े से मैं अजम्पशंस ले रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है. चलो मान लेते हैं कि जब हमने इसके लिए z निकाला, इस पॉइंट के लिए z एज इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स एंड आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हमने वो निकाला wixi, तो मान लो ये आया 50, ठीक है, और इसके लिए जब हमने z निकाला तो ये आया, लेट्स से 50 है तो 30 मान लेते हैं. ठीक है, जब हमने इसके लिए z निकाला तो ये नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि लाइन के नीचे है ये, तो ये आया -20 और ये आया z = -40 मान लेते हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हर पॉइंट का yi हैट कैलकुलेट करना है. सो yi हैट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, z को सिग्मोइड में डालना पड़ेगा. तो जितना बड़ा नंबर आप डालोगे उतना ही 1 की तरफ जाओगे, जितना छोटा नंबर डालोगे उतना ही आप 0 की तरफ जाओगे. सो यू कैन सी इस पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि इसका सिग्मा ऑफ z सिंस बहुत बड़ा है तो ये 0.8 है. ठीक है, मतलब इस स्टूडेंट का मेरे मॉडल के हिसाब से प्लेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी इज 0.8 80%. ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट का सिग्मा निकालने पे आ रहा है मान लो 0.65. सो मेरे मॉडल के हिसाब से इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी 65% है. ठीक है, अगर हम इस स्टूडेंट का बात करें तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आएगा मान लेते हैं 0.3, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 की तरफ जाएगा तो 0.3. तो इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.3, और इस स्टूडेंट का मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है 0.15, सबसे कम. ठीक है,
बेस्ड ऑन द डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे अगर फिल करूं तो पहला जो स्टूडेंट है ये वाला, इसका प्रोबेबिलिटी इज 0.8, इस स्टूडेंट का 0.65, इस स्टूडेंट का 0.3 और इस स्टूडेंट का 0.15। ठीक है, अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं वाई आई माइनस वाई हैट निकालने के लिए, क्योंकि मुझे यहां पे निकालना है, तो यहां पे आएगा 0.2, यहां पे आएगा माइनस 0.65, यहां पे आएगा 0.7 और यहां पे आएगा माइनस 0.15। कैन यू सी किसी भी पॉइंट के लिए वाई आई माइनस वाई आई हैट जीरो नहीं आया, जैसा कि स्टेप फंक्शन में होता था। स्टेप फंक्शन में सिंस आपका आउटपुट या तो जीरो होता था या तो वन होता था, तो फिर वो हमेशा जीरो या वन ही आता था आपका सब्ट्रैक्शन, और फिर ये इक्वेशन में ये वाला टर्म जीरो हो जाता था। बट सिंस अब ये नंबर है, कंटिन्यूअस नंबर्स है बिटवीन जीरो एंड वन, अब आपका आउटपुट विल नेवर बी जीरो और वन। दैट इज वाई ये वाला जो डिफरेंस है ये कभी भी आपका अब जीरो नहीं होगा। और अब आप देख सकते हो, पहले पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट की, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सही जगह पर है, मतलब इसके हिसाब से पुराने वाले लॉजिक अगर हम यूज करते तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए था कोफिशियंट्स में। बट अब देखो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस लर्निंग रेट टाइम्स जो भी यहां पर है मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय xi। तो हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं अगर हम कोफिशियंट में, तो लाइन को नीचे की तरफ भेज रहे हैं, लाइन को नीचे की तरफ भेज रहे हैं। सो मैंने बोला था ना कि अगर आपका पॉइंट सही से क्लासिफाइड होगा वो लाइन को पुश करेगा। सो सिंस हम कोफिशियंट्स में कुछ ऐड कर रहे हैं, हम लाइन को नीचे भेज रहे हैं, तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इस लाइन को नीचे पुश कर रहा है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, इस वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए डब्ल्यू एन हो जाएगा डब्ल्यू नॉट प्लस लर्निंग रेट टाइम्स माइनस 0.65। सो मैं क्या करता हूं, यहां पे साइन चेंज करके माइनस लिख देता हूं, माइनस लिख देता हूं, और मैं मल्टीप्लाई करता हूं विथ 0.65 मल्टीप्लाइड बाय xi। ठीक है, और अब देखो गाइस, अब आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पुराने वाले में से, तो आप एक्चुअली लाइन को ऊपर खींच रहे हो, आप लाइन को एक्चुअली ऊपर खींच रहे हो। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट को लाइन को अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मिसक्लासिफाइड पॉइंट है तो इसने तो चेंजेस करने थे, ये चेंजेस कर रहा है। अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, ये मिसक्लासिफाइड पॉइंट है, सो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा फॉर दिस पॉइंट डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस लर्निंग रेट टाइम्स 0.7 xi। सो फिर से अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आप नीचे लेके आ रहे हो, आप लाइन को नीचे लेके आ रहे हो, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन को अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, और लास्ट देखते हैं, लास्ट वाला पॉइंट जो है विच इज दिस रेड पॉइंट, हम इस रेड पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो इस रेड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड, सिंस यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लर्निंग रेट टाइम्स 0.15 मल्टीप्लाइड बाय xi। सो फिर से आप क्या कर रहे हो, आप लाइन को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो। सो सिंस ये सही से क्लासिफाइड पॉइंट था, ये धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ, धक्का मार रहा है। ठीक है, एंड यू कैन सी हम वो कर पा रहे हैं जो हमने प्लान किया था, हम वो कर पा रहे हैं जो हमने प्लान किया था। अब क्या हो रहा है, आपका हर पॉइंट कुछ ना कुछ लाइन के साथ एक बिहेवियर शो कर रहा है। अगर सही से क्लासिफाइड है तो अपनी तरफ खींच रहा है, अगर गलत से क्लासिफाइड है अगर सही से क्लासिफाइड है तो पुश कर रहा है, और अगर गलत से क्लासिफाइड है तो उसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी हमने जो पूरा का पूरा मेहनत किया वो अब हमें दिख रहा है कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एक चीज और डिस्कस करते हैं कि कितना दूरी है उसके बेसिस पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं। हमने डिस्कस किया था ना कि कितने अमाउंट से पुश करेगा या पुल करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है लाइन से उस पॉइंट की, तो वो भी एक चीज हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज, अब हम लोग देखेंगे, हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था कि
जो मैग्नीट्यूड होता है लाइन को अपनी तरफ खींचने का या धक्का मारने का, वो डिपेंड करता है पॉइंट के डिस्टेंस से, लाइन के साथ जो डिस्टेंस है पॉइंट का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मैग्नीट्यूड से वो पॉइंट उसको पुल करेगा या पुश करेगा। ये पॉइंट हम लोग प्रूव करने के लिए एक सेटअप मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे दो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं और दो इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं, ठीक है। हम लोग सारा बात पॉजिटिव रीजन का कर रहे हैं। सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स में क्या हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, लाइन को धक्का मारेंगे, अपने से दूर ले जाएंगे। सो अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब हम जेड कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट के लिए, मतलब जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे लाइन के कोफिशियंट्स का इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस आ रहा है 10, ठीक है। और जब हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस आ रहा है मान लो 33 times, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने सिग्मोइड ऑफ 10 किया तो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि ये आ रहा है 0.6, क्योंकि लाइन के ऊपर 0.5 है, उससे थोड़ा ज्यादा 0.6 ले लिया। और इसके लिए मान लेते हैं दिस डिस्टेंस टू बी इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी टू बी इक्वल टू 0.8, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखो, सो अगर हम इस प्लॉट में, इस टेबल में प्लॉट करें, तो पहला वाला जो पॉइंट है इसके लिए आ रहा है 0.6 और दूसरे वाले के लिए आ रहा है 0.8। सो ये जो गैप है, डिफरेंस है, ये 0.4 और 0.2 का है, ठीक है। अब अगर मैं डब्ल्यू एन कैलकुलेट करूं फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए, तो डब्ल्यू एन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस लर्निंग रेट टाइम्स 0.4 times आपका एक्स आई। और सेकेंड वाले पॉइंट के लिए अगर मैं सेम चीज कैलकुलेट करूं तो डब्ल्यू एन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस लर्निंग रेट टाइम्स 0.4, यहां पे आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई। सो अब सोच के देखो, हम डब्ल्यू नॉट में ये टर्म ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐड करने का मतलब लाइन नीचे की तरफ जाएगी, तो जितना ज्यादा चीज, जितना ज्यादा आप ऐड करोगे लाइन, उतना ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट के केस में आप देख सकते हो कि ये वाला जो नंबर है, इसको अगर हम x बोले x1 और इसको हम x2 अगर बोले, तो x1 विल बी ग्रेटर देन x2। इसका मतलब पॉइंट वन के केस में जो आप धक्का मारोगे इस लाइन पे, वो ज्यादा बड़ा धक्का होगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड का धक्का होगा इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। और ये हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है तो जो पॉइंट ज्यादा पास होगा वो ज्यादा तेजी से पुश करेगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड में पुश करेगा इन कंपैरिजन टू अ पॉइंट जो दूर है। उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लाइन से वो सेफ डिस्टेंस पे है, ये सेफ डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए ज्यादा दूर करने का ट्राई करेगा। ये पॉइंट हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, ठीक है। सो गाइज, यही सेम चीज आप ट्राई कर सकते हो ऑन दीज टू मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स। अब हमने ऑलरेडी पूरा फॉर्मुलेट कर लिया ये प्रोसीजर, अब हम क्या करेंगे, इसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि फायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, दिस इज द कोड। सो ये बिल्कुल सेम कोड है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया, ये बिल्कुल सेम कोड है। फिर से वही पॉइंट्स मैंने जनरेट किए, फिर मैंने परसेप्ट्रॉन बोल के एक फंक्शन बनाया जो इंटरनली पहले स्टेप को यूज कर रहा है, ये पुराना वाला है, ठीक है। और उसकी वजह से हमें ये ग्राफ मिल रहा है, ये भी आपने देख रखा था लास्ट क्लास में। अब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब लगाया तो हमें ये मिला, ये ब्लैक लाइन जो है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है और ये जो रेड लाइन है ये हमारा खुद का परसेप्ट्रॉन मॉडल है विद द स्टेप फंक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब कुछ को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, रादर देन हैविंग द सिग्मोइड स्टेप फंक्शन आई एम हैविंग द सिग्मोइड फंक्शन, और मैं यहाँ पे स्टेप के बदले सिग्मोइड को कॉल कर रहा हूँ। चेंज किया मैंने पूरी चीज को, फिर से रन किया सब कुछ, एम और बी कैलकुलेट किया, और अब जब मैंने प्लॉट किया तो ये देखो गाइस, ये रहा हमारा आउटपुट। अब मुझे तो देख के हंसी आई, फिर रोना आया कि बहुत मेहनत की, हमने चीजें थोड़ी इंप्रूव भी की। यहाँ पे पहले देख लो, रेड वाला इज स्टेप फंक्शन वाला पुराना फॉर्मुलेशन, ब्लैक वाला इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो सबसे सही चीज है, और ब्राउन वाला है सिग्मोइड वाला। सो यू कैन सी ब्राउन वाला इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट ऑन
रेड वाला, बट अभी भी ये ब्लैक वाले से अलग है. सो इसका मतलब ये जो हमने चेंजेस किए ये सही चेंजेस थे, सही डायरेक्शन में किए गए चेंजेस थे, बट अभी भी हम एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं आ पाए हैं. अभी भी कुछ गड़बड़ है इस अप्रोच में. लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है scikit-learn का, वो अभी भी कुछ और यूज कर रहा है, कुछ बेटर यूज कर रहा है, एंड दैट इज वाई उनका सॉल्यूशन अभी भी हमसे बेटर आ रहा है. हमारा सॉल्यूशन अभी भी परफेक्ट नहीं है. सो इसमें क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करना है, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे. इस पॉइंट पर मैं आपको एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ रहा हूँ. आप लोग ये नोटबुक डाउनलोड करके इसके ऊपर थोड़े एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो और समझाओ खुद को क्या चल रहा है. कल आपको आंसर मिल जाएगा कि गड़बड़ क्या है और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, और कल ऑनवर्ड्स हम लोग सही मॉडल बनाना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.